जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला खेला गया, तो उसी मुकाबले के बारे में। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद खुश हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 50वां मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल के बीच में अबू धाबी में खेला गया, जहां पर इस मैच में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में ही 71 रन बना डाले थे। दरअसल दोस्तों आज के इस मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक बदलाव अपनी टीम में किया था, जहां पर कप्तान स्टीव स्मिथ ने बताया कि इस मैच में अंकित राजपूत की जगह पर वरुण एरन को मौका दिया गया है। और वहीं बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, तो किंग्स इलेवन पंजाब ने प्लेइंग 11 टीम में कोई बदलाव नहीं किया। माना जा रहा था कि मयंक अग्रवाल की वापसी होगी, लेकिन पंजाब अपनी पुरानी प्लेइंग 11 टीम के साथ मैदान पर उतरी। तो इसी टीम के साथ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम, जहां पर पंजाब की टीम को पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका लग जाता है। दरअसल मनदीप सिंह बिना खाता खोले ही पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं, जिसके चलते जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बेन स्टॉक्स के हाथों एक शानदार कैच थमा बैठते हैं, जिसके चलते आज के इस मुकाबले में मनदीप सिंह गोल्डन डक का शिकार हुए। तो वहीं फिर दोस्तों मैदान पर उतरते हैं क्रिस गेल और केएल राहुल, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज सदी हुई बल्लेबाजी कर इस मुकाबले में अपनी टीम को बनाए रखते हैं और 5 ओवर में 50 रन से ज्यादा की साझेदारी ये दोनों ही बल्लेबाज मिलकर कर डालते हैं। और उसके बाद क्रिस गेल और केएल राहुल का तूफान हम सभी को देखने के लिए मिलता है। जी हां दोस्तों, एक छोर से जहां क्रिस गेल छक्के और चौकों की बारिश कर रहे होते हैं और दूसरी ओर से केएल राहुल अपना विकेट बचाकर किंग्स इलेवन पंजाब के स्कोर कार्ड को धीमे धीमे चलाते हैं, जहां पर क्रिस गेल आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 33 गेंदों में ही अपनी 50 जड़ देते हैं और अपनी इस पारी के दौरान वो 4 चौके और 4 छक्के लगाते हैं। तो वहीं बात करें केएल राहुल की, तो जब क्रिस गेल अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं तब केएल राहुल 38 रनों के स्कोर पर खेल रहे होते हैं और उसके बाद वो 15वें ओवर की चौथी गेंद पर 41 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों केएल राहुल ने एक छोर से काफी शानदार बल्लेबाजी की और अपनी 46 रनों की पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए और उन्हें बेन स्टॉक्स राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वहीं फिर मैदान पर उतरते हैं निकोलस पूरन, जहां पर आज के इस मुकाबले में निकोलस पूरन का तूफान क्रिस गेल के साथ साथ हम सभी को देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, निकोलस पूरन आते से ही 3 ऐसे शानदार छक्के लगाते हैं और एक इसमें इन्हें फ्री हिट मिलती है, जिसमें ये शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 10 गेंदों में ही 22 रन बना डालते हैं। और वहीं दोस्तों बात करें क्रिस गेल की, तो आज के इस मुकाबले में क्रिस गेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए खबर बोले जाने तक 57 गेंदों में 84 रन बनाए हैं और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। तो वहीं बात कर लें अब राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की, तो राजस्थान की तरफ से जो सबसे ज्यादा किफायती गेंदबाजी करते हैं वो होते हैं जोफ्रा आर्चर, जहां पर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट हासिल करते हैं। और वहीं फिर जो सबसे महंगे साबित होते हैं आज के इस मुकाबले में वो होते हैं वरुण एरन, जो कि 4 ओवर फेंकते हुए 47 रन देते हैं और कोई विकेट हासिल नहीं करते हैं। और वहीं बात करें बेन स्टॉक्स की, तो बेन स्टॉक्स ने आज शानदार गेंदबाजी की और जहां पर उन्होंने अपने 4 ओवर फेंकते हुए मात्र 32 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए, जिसमें एक निकोलस पूरन का विकेट होता है और एक केएल राहुल का, जहां पर ये दोनों ही बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर रहे होते हैं। वहीं राहुल तेवतिया भी आज के इस मुकाबले में काफी ज्यादा महंगे साबित हुए। तो ऐसे में दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्रिस गेल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।